देखिए सर, एक केरला में एक नाव की रेस हुई, वहां एक नाव की रेस होती है और नाव वहां में 8 लोग बैठते हैं उसमें, नाव के अंदर, ठीक है सर। हाँ वो एक अलग है, पर ये वाली कुर्सी अलग है। इसमें 8 लोग बैठते हैं और रेस हुई, और इसमें जो रेस हुई, इस रेस में जापान से रेस हुई, भारत की टीम जापान गई और वहां रेस हुई, तो रिजल्ट तो आना ही था। रिजल्ट ये आया कि हम भारत वाले जो है 20 मिनट से हार गए। कितने मिनट से सर? 20 मिनट। 20 मिनट से हम हार गए। अब हार गए तो स्पेशल मीटिंग जैसे बुलाई जाती है, बुलाई गई, बैठा जाए, बात करते, तो अब जब बैठाए तो रिजल्ट भी निकलेगा। अब जब रिजल्ट निकला, जापान क्यों जीता? तो क्यों जीता भाई? इसलिए जीता कि वहां एक कैप्टन था, उसकी सब लोग बात मानते थे और 7 लोग चप्पू चला रहे थे। एक कैप्टन था, 7 लोग चप्पू चला रहे थे। अब भारत में क्या दिक्कत थी? भारत में जो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, अब 8 लोग, 7 कैप्टन और एक चप्पू चला रहा। हेलो, क्लियर है सर? हमने आगे सर, ये निष्कर्ष अभी और मजा आएगा सर, कहानी अभी आपने आधी सुनी है। चलो आगे सर, चलो बहुत बढ़िया। तो ये 7 कैप्टन, एक चप्पू चला रहा था। अब भाई निष्कर्ष हुआ, नतीजा हुआ कि भाई यहां भी फैसला क्या लिख दिया गया, यहां भी एक कप्तान बनाना चाहिए, जरूरी है, होना चाहिए। फैसला सही है। अब फिर दोबारा मैच होगा सर। जब दोबारा मैच हुआ तो फिर 40 मिनट से हार गए। कितने मिनट से सर? 40 मिनट। अब फिर मीटिंग, क्योंकि यहां हिंदुस्तान में क्या है कि जो कुछ हो जाए फिर मीटिंग, रिव्यू मीटिंग। अब दोबारा मीटिंग हुई तो फिर क्या निकल कर आया सर? दोबारा जब मूड आई गई तो जापान में तो एक ही कैप्टन था, पर भारत में जब मीटिंग के बाद क्या बना? भारत में एक कप्तान बना, दो वाइस कैप्टन बने, दो मैनेजर बने, दो ऑब्जर्वर बने के देख देख रेख करेंगे भाई कोई पानी वानी का नहीं आ रहा, और चप्पू अभी भी चप्पू एक ही चला रहा था। बाकी सब तो कोई मैनेजर बन गया, कोई वाइस, हाँ देखने वाला, तो सब बन गए, पर चप्पू कितने लोग चला रहे थे? अच्छा फिर मीटिंग चली खूब महीने भर लंबी, और उसकी जो रिपोर्ट आई ना, पूरी मीटिंग समझ में आ जाएगी सर। उस रिपोर्ट का नतीजा ये था, बहुत जबरदस्त तरीके से मीटिंग चली, जबरदस्त धुआंधार तरीके से एक्सपर्ट बैठे, और उसका निष्कर्ष ये था सर, फैसला आया, सभी ने जबरदस्त काम किया, पूरा एप्रिसिएशन आया भाई आप सभी ने, मैनेजर ने बहुत अच्छा काम किया है, ऑब्जर्वर्स ने अपना बहुत अच्छा काम किया है, और भैया देखो असली चीज ये है कि जो वो जो एक आदमी है जो चप्पू चला रहा था, कमी तो उसकी है, वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहा था। हेलो, इसे ही रेस से बाहर करो, इसे टीम से बाहर करो। अब मुझे आप बताइए, अगर उसे बाहर कर देंगे तो भाई बात देखो ऐसी है। हाँ देखो, हमारा कप्तान है एक, है यहां कोई ऑब्जर्वर, यहां कोई और मैनेजर, अगर हम बन गए तो फिर देखो हमें नहीं पता कितने रन से हारोगे। हमारा काम वो नहीं है। हमारा काम क्या है? चप्पू चलाना। अगले 100 दिन मोदी जी की तरह, अगले 100 दिन उन पॉलिटिक जो हार रहा है ना, अब उस आप बोलते हो मोटिवेशन, आप ये बोल रहे हो कि क्या नाम है, मतलब अंदर आग हो रही है आरसीएम वालों में। मैं ये कह रहा हूं जितनी आग उस हारने वाले में ना, पता क्या बोल रहा है भाई साहब? तुम्हें अंदर की बात नहीं पता, हम ही जीत रहे हैं। हारा किसी से मिल लो भाई साहब, पलवल जाओ, और भाई साहब तुम्हें पता कौन जीत रहा? हम ही जीत रहे। किसी से मिल लो तो पब्लिक का रुझान तुम्हें नहीं पता, हमें पता। कुर्सी कितनी है? सब लड़ेंगे मरेंगे। लोग बोलते हैं लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, सब कुछ ऐसा। कभी उनके ऑफिस में जाकर देखना, किसी भी पार्टी के कार्यालय में जाकर देखना, सब्जी पूरी भी खिलाएंगे, सब कुछ खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं लोगों पर। हाँ सच बता रहा हूं। तो भैया आप भी कुछ मत करो सर, हमारा केवल एक काम है प्रभु, केवल एक काम है, क्या है भैया? फील्ड में निकलो। हेलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। किस किसने कॉकरोच देखा है?
देखा है ना, कॉकरोच के छह पैर होते हैं, कितने सर? छह पैर होते हैं। अब एक आदमी ऐसा था कोई आरसीएम वाला, कोई जैसे आप लीडर बोल देते हो, अब वो डिस्कशन पे पहुंचे कि भाई दो पैर तोड़ दो, कितने पैर? हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वो चार पैर से चलेगा कि नहीं। ऐसा मोटिवेट, यू कैन डू इट, कर सकते हो आप। अब बेचारा वो डर गया थोड़ा थोड़ा, चलेगा तो सही कि नहीं, अब वो चला। फिर थोड़ा उसमें वातापूर्ति, उसने दो और तोड़ दिए, अब कितने पैर बचे? अब फिर बोला, अरे तू कर सकता, तेने पहले भी करा था, करके दिखा। फिर और रगड़ लिया, फिर लास्ट में आके उसके सर दो भी तोड़ दी, छह के छह पैर तोड़ दिए उसके। अब आरसीएम वाला तो लीडर था, वो कैसे हार मान ले, तू लीडर है, तू जानवर नहीं, तू लीडर है, तू कर सकता, चल। अब उसके पैर हो तो वो चले, वो कहीं नहीं चला। फिर हिंदुस्तान में मीटिंग बुलाई गई दोस्त, और मीटिंग का निर्णय भी आया कि भाई देखो, निष्कर्ष फैसला क्या आया कि जब कॉकरोच के छह पैर टूट जाते हैं तो उसे सुनना बंद हो जाता। तो भाई ऐसा कोई फैसला मत करना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे कई बार अपनी नजर कुछ खुद नीची हो। हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं, गुरुदेव हमारी नाव के हैं कप्तान। अच्छा, किस किस को डाउट है इस बात पे भी, है ना? हमें तो केवल एक चप्पू चलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय आरसीएम।